सो गाइस, सब जैसा कि मैंने गाइस पहले वीडियो बनाया था एक लिसनिंग सॉल्यूशन ऐप के ऊपर, लेकिन दोस्तों वो जो वीडियो थी वो थी खाली हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। लेकिन मैंने जब उसमें कमेंट पढ़ा तो काफ़ी लोगों ने मुझसे ये कहा था कि भाई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए भी कोई ऐसा ही ऐप बताओ जिससे हमें पढ़ने में हेल्प मिले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी रीजनिंग सॉल्यूशन ऐप के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो दोस्तों खाली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए होने वाली है। तो गाइस उस ऐप के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि इस ऐप में क्या क्या फीचर्स है पूरी डिटेल में मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये ऐप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग करते हैं शुरू और जानते हैं उस ऐप के बारे में। और दोस्तों अगर आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके गाइस आप लोग हिंदी मीडियम वाली लिसनिंग का ऐप देख सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा आपको पता है कि आपको प्ले स्टोर पर जाना पड़ता है। प्ले स्टोर में गाइस आपको जाने के बाद यहाँ पर लिखना है रीजनिंग। रीजनिंग लिखने के बाद दोस्तों जब आपके सामने रीजनिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम आपको ये लिखना है दोस्तों, ठीक है। रीजनिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जब आप इतना लिख दोगे तो आपके पास एक सबसे टॉप पे ऐप आ रहा होगा रीजनिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, बस इतना है। मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है, इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसके क्या फीचर्स हैं। तो दोस्तों आपने सबसे पहले इस तरह से खुलेगा आपके सामने, देख सकते हो सारी चीज़ें इंग्लिश में है, हिंदी मीडियम वालों के लिए ऐप नहीं है। अगर आप वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल, लॉजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल, इनके ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स भी आपको इसमें दिए हैं, रीजनिंग एबिलिटी भी दी है, टिप्स एंड प्रैक्टिस सेट्स भी आपको इस ऐप में मिलेंगे। दोस्तों बड़ा ही अच्छा ऐप है, आप लोगों को डाउनलोड जरूर करना चाहिए। जैसा कि मैं वर्बल रीजनिंग पर चला जाता हूँ, मैंने इस पर क्लिक करा, नंबर सीरीज की रीजनिंग मेरे को पढ़नी है, इसकी फुल डेफिनेशन लिखी है कैसे क्या, साथ ही आपको नीचे क्वेश्चन भी मिलेंगे और उनको सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। गाइस हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है इसमें ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स, अब आप इसमें शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स भी रीजनिंग की ले सकते हो। काफ़ी अच्छा ऐप है दोस्तों, आप लोगों को इसको यूज़ भी करना चाहिए। यहाँ पे आपको टिप्स भी मिले प्रैक्टिस सेट में, जैसे मैं गया वो एनोलॉजी में गया, एनोलॉजी में जाने के बाद गाइस आप सबके सामने एक इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन, उसके नीचे आपको चार ऑप्शन में से आंसर देने होते हैं। तो दोस्तों आपको जो आंसर इसमें से पसंद होगा, अगर नहीं पता तो आप इसमें 100 आंसर पे क्लिक करके आंसर भी देख सकते हो। तो गाइस आप लोगों ने देखा काफ़ी बड़ा अच्छा ऐप है, इस ऐप का नाम है गाइस रीजनिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम। सो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड के पास इन वीडियोस को जरूर भेज दो, क्योंकि दोस्तों वो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, या फिर उनको इस ऐप के बारे में आप लोग जरूर बताना। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप लोगों को गाइस इस चैनल पे इस तरह की ही वीडियोस आप लोगों को मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं अगर वो देखना चाहते हैं कि उनके लिए कौन सा ऐप बेस्ट है तो उस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ से जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं।